तो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम फिर से देखेंगे कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है और उसके साथ आप कौन कौन से स्टॉक पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि हमारा एजुकेशनल पर्पज चैनल है, तो हम यहाँ पे जो भी बताया या दिखा रहे हैं उसी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, आज मार्केट लगभग ऊपर की तरफ खुला, मतलब गैप अप खुला था और बहुत ज़्यादा गैप अप खुला था। इस लेवल से लेकर यहाँ तक का गैप, एक अच्छा खासा गैप में ये मार्केट खुला और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल पे खुला था, ये पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल है उसी के आसपास मार्केट खुला था और उसी के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक फॉल दिखने को मिला। अब हमें ये ज़रूर मालूम रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो नीचे के लेवल्स पे ट्रेडर्स ने बाय किए होंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है इस लेवल पे, तो वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद इस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिला और ये जो सपोर्ट मिला, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। और ऊपर गया तो कहाँ तक गया? जहाँ पे हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस था, मतलब जो डेज हाई था और पिछले दिन का भी जो हाई था दो एक दिन का, तो उसी हाई के आसपास जाके फिर से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे इसका बंद हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे एक चांसेस ये हो सकता है कि देखिए, यहाँ पे तो बेसिकली एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है इंट्राडे वाइज, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन दिख रहा है, पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है। अब तो जब तक ये ट्रिपल टॉप ऊपर की तरफ क्लियर नहीं हो जाता है तो आपके कुछ बाय नहीं मिलेंगे। तो उस हिसाब से 12,970-60 ये जो रेंज है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप बाय नहीं कर सकते, मतलब करना ठीक नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 12,970-60 लेवल के ऊपर आप ज़रूर यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आपको सेल करना है तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि 12,850-840 लेवल के नीचे आप सेलिंग के लिए सोचें। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है तो 12,900 के नीचे भी आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो ऑब्वियसली वेट कीजिएगा 12,840-850 लेवल के टूटने के, और उसी के बाद ही आप सेल करना आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 12,900 के नीचे भी आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूटता है तो वहाँ पे जरूर सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो उस हिसाब से आप 12,900 के नीचे भी सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो तीन लेवल्स है, एक है ऊपर की तरफ 12,960-970 का लेवल जिसके ऊपर आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं, या फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं कि इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से। और नीचे की तरफ अगर आपको डायरेक्ट सेल करना है तो 12,900 के नीचे सेल कीजिए, ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा, या फिर आप 12,840-850 लेवल के नीचे सेल कीजिए, ये एक अच्छा पॉइंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूर इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। कल अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो जरूर इन पॉइंट्स को, इन लेवल्स को ध्यान रखिए, और इसको ध्यान रखते हुए आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारे फ्री कॉल्स इंट्राडे फ्री कॉल्स देते रहते हैं लाइव मार्केट आवर्स में, तो आप उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, तो और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए, बैंक निफ्टी भी कुछ निफ्टी के तरह ही इसका ओपनिंग था, लगभग थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग इसका हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब निफ्टी में जितना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा ही गैप अप ओपनिंग हुआ। और उसके बाद निफ्टी के तरह ही यहाँ पे भी एक कंटिन्यूअस फॉल दिखने को मिला। ये फॉल लेके आके इसको नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ गया, देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की तरफ गया तो जो पहला हाई था उसी के आसपास गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहा, तो मतलब यहाँ पे वीकनेस हमें दिख रहा है, तो इसी हिसाब से ये हाई ये लेवल तक नहीं आ पाया, उससे पहले ही यहाँ पे रिवर्सल हमें दिखने को मिल गया। तो इसको जरूर ध्यान रखिए कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी कल के लिए वीक है, क्योंकि निफ्टी ने डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया इस तरह का, कुछ वी शेप, सॉरी, इस तरह का वी शेप फॉर्मेशन बना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ हाई लगा है। तो यहाँ पे जरूर निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में कल अगर आपको सेल जनरेट होता है और निफ्टी में भी सेल दिखता है तो बेटर रहेगा आप बैंक निफ्टी को चूज कीजिए, क्योंकि कल के हिसाब से निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी ही वीक दिख रहा है। तो उस हिसाब से आप इसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूर ले सकते हैं। उसी के साथ ऑपोजिट में अगर आपको बाइंग दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो बेटर रहेगा पहले आप निफ्टी को कोशिश कीजिए बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि निफ्टी ज्यादा
स्ट्रांग है तो उस हिसाब से आप निफ्टी को पहले कोशिश कीजिए और उसके बाद आप जरूर बैंक निफ्टी को कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले निफ्टी को कोशिश करके देखिए बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू पर, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर पहले बैंक निफ्टी को कोशिश करके देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर रहा है तो वो 29,450 के ऊपर आप जरूर यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस मिलेंगे लगभग 29,650-670 से लेकर 29,800 के बीच में कहीं पे आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप सेल करते हैं तो ऑब्वियसली 28,950 या फिर 29,000 आप इस लेवल के नीचे ज़रूर सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट आपको मिलेंगे वो 28,600 के आसपास आपको सपोर्ट, पहला सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ की जो लेवल्स हमने बताया, नीचे की तरफ भी जो लेवल्स बताए, इसको जरूर ध्यान रखिए और इसको ध्यान रखते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू, अब चलिए थोड़ा सा स्टॉक्स देख लेते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके जरूर आप हमारे अंडर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे अंडर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे तरफ से प्रीमियम कॉल्स एकदम फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कल के लिए। तो देखिए पहला जो स्टॉक हम देखेंगे वो है इन्फी। तो इन्फी में देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई लगा था इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिवर्सल मतलब पुल बैक दिखा, लेकिन ये पुल बैक कुछ खास नहीं बना और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आया और उसके बाद धीरे धीरे रिवर्सल में पुल बैक दिखाया और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे पुल बैक दिखा, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर की तरफ कोशिश और इसी लेवल के आसपास और उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद आज फिर से उसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो अगर कल आपको दिखता है कि इन्फी 1146 1147 लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आप वहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं ये लेवल के ऊपर, और उस हिसाब से आपको जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1180 के आसपास मिलेगा। अभी ये एक ही दिन में कवर होगा या नहीं ये हमें ज़रूर नहीं मालूम है, लेकिन आपको एटलीस्ट 1% का मूवमेंट ज़रूर मिल सकता है अगर ये 1146-1147 लेवल के ऊपर स्टेबली ट्रेड करता है तो आप उसको ज़रूर यहाँ पे बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू पे देख सकते हैं इन्फी को इंट्राडे पे कल के लिए, ठीक है। और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम कुछ खास तो नहीं थे लेकिन थोड़ा बहुत एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही इसका वॉल्यूम बना था, तो हो सकता है आने वाले एक दो दिन में यहाँ पे वॉल्यूम भी डेवलप करना स्टार्ट हो जाए और इन्फी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे इस हिसाब से, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए कल के लिए इन्फी इंट्राडे पे, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है या फिर आप किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके अपना क्वेश्चन बताइएगा, हम उसके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा जो स्टॉक देखेंगे वो है हम लोग का टिस्को। तो देखिए टिस्को यहाँ पे काफ़ी दिनों से अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, हमने बीच में कई बार टिस्को को रिकमेंड किया था हमारे जो डेली वीडियोस रहते हैं उसके ऊपर, तो आज भी हम उसी को रेकमेंड करेंगे। क्यों रेकमेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक हाई बना था, उसके बाद एक दिन का एक वेट मतलब वेटिंग पीरियड पे ये था, उसके बाद फिर से एक हाई बनाया लेकिन ये इसको क्रॉस तो किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं आया, उसके बाद पिछले दिन इसका क्लोजिंग है और आज इसी के आसपास इसका क्लोजिंग है, तो मतलब कुछ खास तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इसका जो मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ है। तो अगर कल आपको टिस्को 546 के ऊपर मिल जाता है तो आप यहाँ पे ज़रूर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू पे देख सकते हैं और ऊपर की तरफ आपको लगभग 560 के रेजिस्टेंस दिखने को मिलेंगे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा इंट्राडे पे टिस्को को। हालांकि आज की ये जो मूवमेंट है तो इस पर वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो ये हो सकता है कल नया वॉल्यूम आ जाए, तो उस हिसाब से आप इसको ज़रूर एक बार कोशिश कर सकते हैं क्योंकि 552 वीक्स हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम्स दिख सकते हैं, कभी भी मतलब कभी भी बायर्स आके इंटरेस्ट दिखा सकता है अपना, तो इस हिसाब से इसको ध्यान रखिए। टिस्को को आप इंट्राडे पे कल बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू पे रख सकते हैं, 546 के ऊपर अगर ये चलता है तो आप इसको ज़रूर बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके लिए दो स्टॉक्स, एक है इन्फी और दूसरा है टिस्को, और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी व्यू था अभी हमने आपको बता दिया। तो चलिए बस आज के लिए इतने, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा, और उसी के साथ जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं और आप जान नहीं पाएंगे कि हमने वीडियो अपलोड किया है या नहीं, तो इसलिए प्लीज़ जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसका प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।